थायोमेथोक्सम। क्या है थायोमेथोक्सम? ज्यादातर लोग इसे बुआई में प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इसका प्रयोग स्प्रे के रूप में भी हो सकता है, और ये सबसे सस्ता कीटनाशक है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम यही बताएंगे। मेरा नाम है शिवम कुमार और सभी को मेरी राम राम। आपका स्वागत है इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थायोमेथोक्सम 25%। थायोमेथोक्सम कई प्रकार का आता है, 25%, 30%, 40%, कई प्रकार का आता है, लेकिन हम जो बात करने वाले हैं थायोमेथोक्सम 25% वाली। थायोमेथोक्सम 25%, सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसकी कीमत कितनी है। श्रीराम का है, अच्छी कंपनी है श्रीराम। ये मुझे मिला है 1 किलो का 700 रुपए का। अगर आप आधा किलो का लेते हैं तो लगभग आपको 400-450 का मिलता है। अगर आप 1 पाव का लेते हैं तो आपको लगभग 225-250 रुपए का मिलता है, लेकिन ये 1 किलो का बहुत सस्ता पड़ गया जो मुझे 700 रुपए का मिला। आपकी मार्केट में वहां पर आसपास 750 का मिल जाना चाहिए, 700 का नहीं मिल रहा है, 750 का तो मिल ही जाना चाहिए, और मैक्सिमम 800 रुपए का मिल जाना चाहिए। हालांकि अलग अलग कंपनी आ रही है, सबके अलग अलग रेट है, लेकिन मैं कहता हूं अगर आप 1 किलो का ले रहे हैं 800 रुपए से ज्यादा वाला ना दें। इसका प्रयोग जो किया जाता है तना छेदक यानी कि टॉप बोरर, और आगे लिखा हुआ है माजू मक्खी, पत्ता मोड़क, भूरा पत्ती टिड्डा, सफेद पौधा, सफेद पौध टिड्डा, हरा पत्ती टिड्डा, चुरदा, कपास में माहू, तीला सफेद मक्खी, इन सभी कीड़ों को ये नियंत्रण करता है। अब बात करते हैं इसके यूज की, कहां प्रयोग करना है इसका। इसका प्रयोग एक तो गन्ने की बुआई में सबसे ज्यादा किया जाता है, जो मात्रा बहुत ज्यादा डालते हो, जो रिजेंट के साथ इसका प्रयोग किया जाता है, फिप्रोनिल 0.3% के साथ 100 ग्राम प्रति बीघे के हिसाब से, लेकिन मैं कहता हूं ये बहुत ज्यादा मात्रा है, इतना इसका प्रयोग न करें। स्प्रे के रूप में इसका प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है, जो बहुत ही सस्ता ये पड़ता है हमें। आपको यकीन नहीं आएगा, आप इसका स्प्रे गन्ने में 50 बीघे में कर सकते, ये 1 किलो 50 बीघे में बहुत है। मात्र 15 रुपए प्रति बीघा खर्चा आता है इसका, 50 बीघे में इसका स्प्रे हो जाता है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं, ये आप किसी भी साइट पर देख लीजिए। इसका प्रयोग एक टंकी में 10 ग्राम किया जाता है, केवल 10 ग्राम प्रति टंकी इसका प्रयोग किया जाता है स्प्रे के रूप में। तो आप क्लोरोफायरीफॉस 50% और ये थायोमेथोक्सम, इन दोनों का स्प्रे कर दीजिए। क्लोरोफायरीफॉस 40-50 ml प्रति टंकी डालनी है, और ये 10 ग्राम, ये 10 ग्राम से ज्यादा डालना ही नहीं है। दोनों का स्प्रे कर दीजिए, टॉप बोरर कंट्रोल हो जाएगा। बुआई की बात करूं तो इसे बुआई में 50 ग्राम से ज्यादा इसका यूज ना करें, नहीं तो इससे जमीन खराब हो जाती है, कीड़े इसके प्रति एक्टिव हो जाते हैं और फिर ये असर करना बंद कर देता है। इसलिए ज्यादा मात्रा डालने से कोई फायदा नहीं है। बुआई के समय आपको रिजेंट का प्रयोग करना है, केवल 1.5 किलो प्रति बीघा रिजेंट और 50 ग्राम थायोमेथोक्सम, जो 20 बीघे में बहुत हो जाएगा, फिर ये 20 बीघे में काम कर जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं अगर आपका खेत ज्यादा है तो बड़ी पैकिंग ले, जितनी बड़ी पैकिंग लोगे आपका खर्चा उतना ही कम आएगा।